हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कॉनिक सेक्शन के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज कॉनिक सेक्शन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, और साथ में हमने ये भी जाना कि कॉनिक सेक्शन ये जो कौन ज्योमेट्रीज हैं ये कैसे फॉर्म होती है। एक्चुअली कॉनिक सेक्शन क्या है? इट इज इंटरसेक्शन ऑफ ए डबल नैप कॉन विद ए प्लेन एट डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन, देन यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री। सो दैट इज द कॉनिक सेक्शन। अगर जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो इस लेक्चर का डिटेल देख सकते हैं, लेक्चर के बारे में स्टडी कर सकते हैं, लिंक आई बटन में गिवन है। तो आज के इस लेक्चर में भी हम लोग कॉनिक सेक्शन को ही डिस्कस करेंगे। बट डिफरेंस क्या रहेगा इस लेक्चर में कि कॉनिक सेक्शन के लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिकली देखा कि इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन एंड डबल नैप कॉन गिव यू द ज्योमेट्रीज, ओके। बट इस लेक्चर में हम लोग लोकस के टर्म में डिस्कस करेंगे, एनालिटिकल ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे कि हाउ दीज डिफरेंट कॉनिक्स आर फाउंड व्हेन ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन, ओके। सो ये लेक्चर आज का रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जब डबल नैप कोन और प्लेन को इंटरसेक्ट करते हैं तो किस तरह की ज्योमेट्रीज जनरेट होती हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जस्ट ये ओवरव्यू है। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हैं कि एक डबल नैप कोन को अगर प्लेन के साथ इंटरसेक्ट करे तो डिफरेंट पोजीशन की वजह से एलिप्स, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, ये ज्योमेट्रीज बनती हैं। तो ये ज्योमेट्रिकली हमने देखा। आज इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि अगर एक प्लेन के अंदर एक पॉइंट मूव करता है तो उस पॉइंट का जो लोकस है वो एलिप्स कैसे होगा, सर्कल कैसे होगा, पैराबोला कैसे होगा और हाइपरबोला कैसे होगा। तो ये एनालिटिकल ट्रीटमेंट हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो स्टूडेंट्स, चलिए डिस्कस करते हैं कॉनिक सेक्शन बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द लोकस एंड द वैल्यू ऑफ द इसेंट्रिसिटी। सो सबसे पहले डेफिनेशन कॉनिक सेक्शन का। कॉनिक सेक्शन क्या है? लोकस ऑफ ए पॉइंट पी विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। सो दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। अब इसको हम इलेबोरेट करते हैं। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है लोकस ऑफ ए पॉइंट पी। तो लोकस का माने क्या है? लोकस मीन्स वेन ए पॉइंट मूव इन ए प्लेन अंडर सर्टेन कंडीशन देन द पाथ ट्रेस्ड बाय दैट पॉइंट। इट मीन्स यू कैन से दैट लोकस क्या है? पाथ ट्रेस्ड बाय ए मूविंग पॉइंट। अब देखिए क्या है, ये जो पॉइंट है ये किस तरह से मूव कर रहा है प्लेन के अंदर। इट्स रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। तो हमने क्या करना है, यहां पर एक फिक्स पॉइंट लेना है। तो इस ये जो पॉइंट मूव कर रहा है इसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से, और एक लाइन फिक्स करेंगे उस लाइन से जो रेशियो है डिस्टेंसिस का दैट ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि एक मूविंग पॉइंट है और उसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से उनका जो रेशियो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट आता है, तब हम कहेंगे कि जो ज्योमेट्री बनेंगे दैट विल बी ए कॉनिक सेक्शन। सो कॉनिक सेक्शन क्या है? इट इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय मूविंग पॉइंट सेटिस्फाइंग दीज टू कंडीशन, ओके। सो दिस इज द कॉनिक सेक्शन। तो यहां पर हमने दो चीजें इंपॉर्टेंट नोट की कि फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स लाइन। तो ये जो फिक्स पॉइंट है इस फिक्स पॉइंट को कहेंगे हम फोकस, और ये जो फिक्स लाइन है इसको कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स, ओके। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, और जो रेशियो आएगा डिस्टेंसेस का कांस्टेंट रेशियो जो है दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। तो चलिए अब इसको फिगर की हेल्प से समझते, डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, लोकस फाइंड आउट करना है ऑफ ए मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन्स को ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन। पॉइंट मूविंग है ये आपने ध्यान रखना है। मूविंग पॉइंट का मीनिंग क्या है कि ये पॉइंट जो है चेंज होता रहेगा। सपोज दिस इज पी एक्स वन वाई वन, मूव किया पॉइंट को, कोऑर्डिनेट चेंज हो गए पी एक्स टू वाई टू, पॉइंट मूव कर रहा है, ओके। तो इस तरह से ये पॉइंट मूव कर रहा है, ओके। अब आपने इस पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। तो पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं, ये हमने पॉइंट फिक्स कर लिया ए जीरो। तो जिस पॉइंट को आप फिक्स करेंगे दैट इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। वैसे तो फिक्स पॉइंट एक्स वाई प्लेन में कहीं भी लाई कर सकता है, बट कन्वीनियंस के लिए हमने इसको एक्स एक्सिस पे लिया,
ठीक है, जिससे जो कैलकुलेशंस है वो सिंपल हो जाए। तो फिक्स पॉइंट एफ इज कॉल्ड फोकस ए जीरो। नाउ फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स की कंडीशन क्या रहती है कि डायरेक्ट्रिक्स उस लाइन के परपेंडिकुलर रहेगा जो फोकस से पास करती है। तो फोकस से देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस पास कर रहा है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या रहेगा, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस। तो जितना डिस्टेंस ये है ए, उतना ही डिस्टेंस ये रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, दैट इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द फोकस। तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब कंडीशन क्या है कि ये जो मूविंग पॉइंट है, जब भी आप इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इस फिक्स लाइन से और इस फिक्स पॉइंट से, तो हर बार ये जो रेशियो है इन दो डिस्टेंसेस का, दैट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ओके, सो ऑलवेज सपोज दिस पॉइंट इज डी वन, दिस इज डी टू, दिस इज डी थ्री। आपने क्या किया, इस मूविंग पॉइंट का हर बार डिस्टेंस कैलकुलेट किया इस लाइन से और फिक्स पॉइंट से, तो हर बार कॉन्स्टेंट आ जाता है पी डी सॉरी ये चीज आपने ध्यान रखना है कि जो जब फोकस से डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो ऊपर न्यूमरेटर में रखेंगे, पी एफ डिवाइडेड बाय पी डी वन कैलकुलेट किया, ये कोई नंबर आएगा ई, फिर कैलकुलेट किया आपने पी एफ बाय पी डी टू, फिर अगेन सेम नंबर आएगा पी एफ बाय पी डी थ्री, अगेन सेम नंबर। अगर इस मूविंग पॉइंट का हर बार जो रेशियो है डिस्टेंसेस का हर बार सेम आता है, कांस्टेंट आता है, देन ये जो पाथ बनेगा दैट विल बी ए कॉनिक सेक्शन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये जो कांस्टेंट रेशियो आया है ई, दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। तो ये इसेंट्रिसिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ये डिसाइड करने में किस तरह का कॉनिक जनरेट होगा, किस तरह की ज्योमेट्री बनेगी। तो इसेंट्रिसिटी और फोकस ये दो फैक्टर हैं जो डिसाइड करेंगे कि ज्योमेट्री क्या बनेगा। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ फोकस कि फोकस कहाँ लाई करता है, तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि फोकस अगर डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करता है या नहीं लाई करता है। तो इस बेस पर और इसेंट्रिसिटी की क्या वैल्यू है, इस बेस पर हम क्या करेंगे, इन कॉनिक सेक्शंस को कैटेगराइज करेंगे कि ये जो कॉनिक सेक्शन बनेंगे, ये जो कर्व बनेंगी, ये एलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, पैराबोला होगा, सर्कल होगा, ये लाइंस होंगी, ये कौन डिसाइड करेगा, ये फोकस का पोजीशन और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू डिसाइड करेगी। तो चलिए अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि फोकस को पोजीशन चेंज करने से और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू चेंज करने से क्या क्या कर्व्स जनरेट होती हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर उस सिचुएशन को कंसिडर करेंगे व्हेन फोकस डज नॉट लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। ओके, तो ये हमने फिक्स किया कि ये जो हम केसेस डिस्कस कर रहे हैं, ये इन सभी केसेस में फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई नहीं करेगा, इट लाइज एक्सेप्ट डायरेक्ट्रिक्स। ओके, कहीं भी लाई कर सकता है बट डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करेगा। ओके, तो फर्स्ट केस क्या रहेगा, सर्कल बनेगा, और ये सर्कल कब रहेगा, जब इसेंट्रिसिटी जो कॉमन कोसेंट रेशियो है दैट इज जीरो, एंड इट विल बी एलिप्स इफ कॉन्स्टेंट रेशियो इज लेस देन वन, एंड इट विल बी पैराबोला इफ द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी इज वन, एंड दिस इज हाइपरबोला इफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट रेशियो इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन वन। फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई नहीं कर रहा है इस सिचुएशन में, और डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर जीरो है, कॉन्स्टेंट रेशियो की वैल्यू अगर जीरो है, देन इट विल बी ए सर्कल, लेस देन वन है देन इट विल बी एलिप्स, इक्वल टू वन है देन इट विल बी ए पैराबोला, एंड ग्रेटर देन वन है देन इट विल बी ए हाइपरबोला। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन बेस्ड ऑन द पॉइंट दैट फोकस डज नॉट लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द वैल्यू ऑफ द इसेंट्रिसिटी इज आइदर जीरो, वन, ग्रेटर देन वन और लेस देन वन। तो ये चार ज्योमेट्रीज यहां पर जनरेट होंगी। ओके, सो अब हम इसको एनालिटिकली मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखेंगे कि वाकई कि जब इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जीरो है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू वन है, लेस देन वन है, ग्रेटर देन वन है, तो ये जो इक्वेशंस आएंगी, जो वैल्यूज आएंगी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, दैट विल रिप्रेजेंट सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एंड
हाइपरबोला, यह हम मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग केसेस डिस्कस करेंगे, फोर केसेस डिस्कस करेंगे व्हेन फोकस डज नॉट लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। तो इन सभी केसेस में फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई नहीं करेगा, और यहाँ पर हम इसको फर्दर कैटेगराइज करेंगे बेसिस ऑन द इसेंट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ई इज इक्वल टू वन, दैट मीन्स इसेंट्रिसिटी इज वन, विच मीन्स दैट इफ ए पॉइंट पी मूव्स सच दैट इट्स रेशियो ऑफ डिस्टेंसिस फ्रॉम द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज वन। तो ये फर्स्ट केस क्या रहेगा, यहाँ पर जो मूविंग पॉइंट पी है उसका डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्री से वो रेशियो जो है हमेशा वन आएगा। सो अब देखना वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर इसेंट्रिसिटी वन लेते हैं तो क्या ज्योमेट्री हमारे सामने आती है। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक्स वाई प्लेन को, सो दिस इज ओरिजन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड सपोज दिस इज द फोकस ए जीरो, ये फिक्स पॉइंट हमने यहाँ फिक्स कर लिया। और डायरेक्ट्रिक्स क्या रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स आपने सपोज ये डायरेक्ट्रिक्स है एट द डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या रहेगा, माइनस ए। ओके, तो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या रहेगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, और ये आपने यहाँ पर मूविंग पॉइंट फिक्स कर लेना है पी एक्स वाई, ये पी मूविंग पॉइंट है, इट मीन्स ये पोजिशन चेंज होती रहेगी। ओके, तो ये डिस्टेंस सपोज फोकस पी एफ एंड दिस डिस्टेंस, इस केस में ये जो डिस्टेंसेज हैं इनका रेशो वन है। ओके, तो अब ये जो पॉइंट है, सपोज आपने इस पॉइंट को डी मार्क किया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर बिकॉज ये लाइन जो है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो माइनस ए रहेगा, और वाई कोऑर्डिनेट वेरिएबल रहेगा वाई, बिकॉज जैसे पॉइंट चेंज होगा पी पी मूव करेगा, सपोज पी यहाँ आता था डी चेंज हो जाएगा, तो इसलिए जो वाई कोऑर्डिनेट है दैट इज वेरी। ओके वाई, ओके आप ऐसे भी देख सकते हैं कि दिस कोऑर्डिनेट इज दिस डिस्टेंस इज ए बिकॉज फोकस यहाँ पर है एंड दिस डिस्टेंस इज वाई। ओके, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट डी इज माइनस ए एंड वाई। तो यहाँ से हमें हेल्प मिलेगी कि हम डिस्टेंस कैलकुलेट आराम से कर पाएंगे। सो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, द डिस्टेंस ऑफ दिस मूविंग पॉइंट पी फ्रॉम द फोकस पी एफ डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द डायरेक्ट्स डी दैट इज वन। सो अब आपने क्या करना है, ये जो पी एफ है इस डिस्टेंस का फार्मूला लिखना है, डिस्टेंस का एक्सप्रेशन लिखना है। सो एक्स वाई एंड ए जीरो, तो आप अगर आपके पास दो पॉइंट गिवन है एक्स वाई एंड ए जीरो, यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस पी एफ। तो डिस्टेंस पी एफ क्या रहेगा, एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस पी डी। डिस्टेंस पी डी कैलकुलेट करें, अगेन एक्स माइनस माइनस ए, तो दैट विल बी एक्स प्लस ए स्क्वेयर प्लस वाई माइनस वाई, because this coordinate is y and this is also y, so y minus y square, that distance is always 1 according to our condition. Okay, now simplify this expression. So simplify करें, numerator में क्या रहेगा, x minus a whole square plus y square square root divided by x plus a square y minus y is 0, so therefore no need to write this one, so this is 1. Okay, now what can you do, आपने क्या करना है, squaring and squaring both side. Okay, जब squaring करेंगे तो x minus a whole square plus y square is equal to x plus a whole square, squaring कर दिया आपने दोनों साइड, simplify करें, x square plus a square minus 2ax plus y square is equal to x square plus a square plus 2ax, जो टर्म्स कैंसिल होते हैं इनको कैंसिल कर दें, सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद, y square is equal to 4ax, और आप सभी जानते हैं दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए
पैराबोला. सो द मूविंग पॉइंट विल ट्रेस दिस पाथ. सो ये जो पॉइंट पी मूव करेगा ऐसे मूव करेगा एंड इट विल ट्रेस ए पैराबोला. ओके सो ये हमने बड़े आराम से विजुअलाइज किया कि व्हेन ई इज वन एंड फोकस डज नॉट लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स. तो देखा आपने फोकस हमने एक्स एक्सिस के ऊपर लिया चूज किया और डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई नहीं कर रहा था और इसेंट्रिसिटी को वन कंसिडर किया. तो आप यहां से विजुलाइज कर पाए कि y square is equal to 4x, that is equation of a parabola. So this is a standard equation. Okay? तो यहां पर जो four types के standard parabola equation होती है, y square is equal to 4x, y square is equal to minus 4x, okay? x square is equal to 4by and x square is equal to minus 4by. इनके बारे में हम details में coming lectures में discuss करेंगे in these four स्टैंडर्ड इक्वेशंस. ओके फिलहाल के लिए इतना ही कि व्हेन इसेंट्रिसिटी इज 1 एंड फोकस डज नॉट लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स देन इट विल ट्रेस आउट ए पैराबोला. ओके स्टूडेंट्स तो अब हम मूव करते हैं सेकंड केस की तरफ. चलिए डिस्कस करते हैं सेकंड केस को. इस केस में भी यहां हमने जो कंसीडर किया है फोकस डज नॉट लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स. तो आप देख सकते हैं फोकस एक्स एक्सिस पे लाई करता है. ओके एंड बट जो डिफरेंस यहां पर रहेगा वो रहेगा कि इसेंट्रिसिटी द रेशो कॉन्स्टेंट रेशो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड द फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज लेस देन 1. तो सबसे पहले आपने क्या किया पी इज द मूविंग पॉइंट. यहां से आपने ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया फ्रॉम द फोकस एंड सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स. सपोज ये यहां पर डी पॉइंट. ओके सो यू कैन राइट द कोऑर्डिनेट अगेन माइनस ए वाई. ओके नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस रेशियो पी एफ डिवाइडेड बाय पी डी. ओके दैट इज ई एंड ई इज लेस देन 1. ओके सो सिंप्लिसिटी के लिए यहां पर हमने ई को लेस देन 1 रखना है. ओके तो यहां पर हम ई को मान लेते हैं सपोज इट इज 1/2. सो एज ए पर्टिकुलर केस उससे आसान रहेगा आपको समझने में 1/2 less than 1. Okay, calculate PF that is x minus a whole square plus y minus 0 whole square square root divided by x plus a whole square plus y minus y 0. Okay, आप चाहे तो लिखें otherwise छोड़ भी सकते हैं इसको y minus y को. ओके दैट इज 1/2. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड. तो स्क्वेयर करेंगे क्या एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए होल स्क्वेयर इज 1/4. क्रॉस मल्टीप्लाई करें 4 टाइम्स एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर प्लस y square this is equal to x square plus a square plus 2ax. okay further simplify कर लें 4 x square plus a square minus 2ax plus y square this is equal to x square plus a square plus 2ax. जो सेम टर्म्स है उनको कलेक्ट कर लें 4x square minus x square plus 4a square minus a square minus 8ax minus 2ax plus y square is equal to 0. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस इज इक्वल टू 4x square same terms को collect करेंगे 4x square minus x square plus 4a square minus a square minus 8ax minus 2ax plus 4y square is equal to 0. further simplify करते हैं इसको 3x square plus 3a square minus 10ax plus 4y square is equal to 0.
यहाँ पर आपने एक चीज ध्यान रखना है कि जो एक्स स्क्वायर कोफिशियंट है उसको यूनिटी बना ले, लीडिंग कोफिशियंट को एक्स स्क्वायर 3 से डिवाइड कर दें, प्लस ए स्क्वायर माइनस 10/3 ax प्लस 4/3 वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, एक्स की जो टर्म्स है उनमें परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 10/3 ax प्लस ए स्क्वायर। तो ये जो एक्स की फर्स्ट डिग्री टर्म है, कोफिशियंट क्या है? -10/3, इसको हाफ करेंगे -5/3 a, हाफ करेंगे तो -5/3 a, स्क्वायर करेंगे तो 25/9 ए स्क्वायर ऐड करना है, 25/9 ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज 4/3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ कंबाइन द टर्म्स रिक्वायर्ड फॉर स्क्वायर। 10/3 ए एक्स प्लस 25/9 ए स्क्वायर, ये जो टर्म्स है इनको अलग से कर लेते हैं कैलकुलेट, प्लस ए स्क्वायर माइनस 25/9 ए स्क्वायर, ये टर्म्स अलग से कैलकुलेट करेंगे। 4/3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो पोर्शन इन द ब्रैकेट इज अ कंप्लीट स्क्वायर, सो दिस इज एक्स माइनस 5/3 ए होल स्क्वायर। और ये जो फैक्टर है दिस विल बी -16/9, सिंप्लीफाई करेंगे -16/9 ए स्क्वायर प्लस 4/3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ओके, तो यहाँ से आप एक बार इसको रीराइट कर ले, -5/3 ए होल स्क्वायर प्लस 4/3 वाई स्क्वायर, ये जो नेगेटिव टर्म्स है उसको राइट साइड में ले जाएं, 16/9 ए स्क्वायर। ओके, तो इसको आप रीराइट कर सकते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करेंगे, डिनोट दिस एज कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5/3 a, जो स्मॉल एक्स माइनस 5/3 है उसको कैपिटल एक्स से डिनोट किया और वाई माइनस 0 को कैपिटल वाई से डिनोट करें, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहां से हमने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन किया, तो जो नई इक्वेशन है दैट इज इन द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 स्क्वायर। एक बार इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। 16/9 ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/4 इंटू 16/9 ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, रीराइट करेंगे सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 16/9 ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय, सो ये आपके पास आएगा 4/3 ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ओके, तो उसको आप लिख सकते हैं 16/9 ए स्क्वायर को डिनोट कर दे कैपिटल ए स्क्वायर से, एंड 4/3 ए स्क्वायर को डिनोट कर दे कैपिटल बी स्क्वायर से, एंड दिस इक्वेशन विल बी टर्न्ड आउट टू एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर कैपिटल बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। और आप सभी जानते हैं व्हाट इज दिस इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। सो नेक्स्ट केस कंसिडर करते हैं, व्हेन इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन वन, दैट मीन्स द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द फोकस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज ग्रेटर देन वन व्हेन पी मूव्स। ओके, तो इट मीन्स पी जो पॉइंट है वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि जो रेशियो है डिस्टेंसिस का फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से, दैट ऑलवेज कम्स ग्रेटर देन वन। ओके, तो उस केस में हम ये देखना चाहेंगे कि क्या ज्योमेट्री जनरेट होती है लोकस से। ओके, सो बार बार डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम वही कंसिडर करेंगे, वही पॉइंट रहेगा फोकस। ओके, सो अगेन इन दिस केस पी एफ बाय पी डी
is e and e is greater than 1. So simplicity के लिए एक particular case consider करेंगे हम यहाँ पर, e को हमने greater than 1 लेना है, तो यहाँ से हम ये मान सकते हैं कि PF over PD is equal to suppose 3/2 as a particular case हम इसको study करेंगे. Okay, so this implies again apply the definition x minus a whole square plus y square divided by square root of this because this is distance. Okay, again square root x plus a whole square that is equal to 3/2. Same procedure follow karenge, squaring both side. Okay, so kya rahega, x minus a whole square plus y square divided by x plus a whole square that is 9/4. Cross multiply kar dein both side. Okay, 4 times x minus a whole square plus y square is equal to 9 times x plus a whole square. Okay, now open the bracket, 4 times x square plus a square minus 2ax plus y square is equal to 9 times x square plus a square plus 2ax. जो लाइक टर्म्स हैं उनको कलेक्ट कर ले. ओके, सो 9 राइट हैंड साइड में ले जाएंगे पॉजिटिव रखने के लिए, 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, दिस 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर. सिमिलरली 9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 18ax प्लस 8ax ओके माइनस y 4y square. Let me correct this. Is equal to 0. Further simplify करेंगे. So simplify करें. 5x square plus 26ax plus 5a square माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ओके, अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो करना है. यहां से आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, पहले x स्क्वायर 5 से डिवाइड कर देते थ्रू आउट, 26/5 ax प्लस a स्क्वायर माइनस 4/5 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. x स्क्वायर प्लस 26/5 ax, तो 26/5 का हाफ करेंगे 13/5 स्क्वेयरिंग एंड एडिंग. ओके, सो क्या ऐड करना आपने, 113 का स्क्वायर 169/25 ए स्क्वायर ऐड करेंगे, 169/25 ए स्क्वायर ये सबट्रैक्ट करना है, प्लस ए स्क्वायर माइनस 4/5 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ x square plus 26/5 ax plus 169/25 a square, ये टर्म्स हमने इकट्ठा कर लिए. ओके, माइनस 4/5 y square और ये जो टर्म्स हैं इनको राइट में शिफ्ट कर देते हैं, प्लस 169/25 a square. सो पोर्शन इन द ब्रैकेट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, x plus 13/5 a whole square, okay, minus 4/5 y square is equal to, let me correct this, this is minus a square. Okay, so right hand side will be 144/25 a square. Same, using the same trick, shifting of origin, replace x plus 13/5 a by capital X and y minus 0 by capital Y. So this will be x square minus 4/5 capital Y square is equal to 144/25 a square.
represent this in standard form x square by 144 by 25 a square minus y square by 5 by 4 into 144 by 25 a square is equal to 1. So your numerator में expressions है, इनको denote करेंगे x square by capital A square minus y square by capital B square is equal to 1, and this is the standard equation of a hyperbola where capital A is equal to 144 by 25 a square and capital B is equal to 144 by 20 a square. Okay, so this is a capital A square and this is capital B square. तो ये डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है, इनको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, कैपिटल ए स्क्वायर और कैपिटल बी स्क्वायर से डिनोट किया, तो ये जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट होगी एंड दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन इज हाइपरबोला. ओके, सो इस केस में आपने देखा कि व्हेन इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1, एक पर्टिकुलर केस लेकर हमने डिस्कस किया, तो दैट टर्न्स आउट टू बी अ हाइपरबोला. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हियर इज द लास्ट केस व्हेन ई द कांस्टेंट रेशियो इज 0. So this is a special case, students, and in this case the locus of the point turns out to be a circle. So dekhiye students, ye special case hai, isme jo point P move kar raha hai that will trace out a locus aayega, but jab hum circle ki baat karte hain the eccentricity lies at infinity. So is case mein jo focus se distance hai aur jo directrix se distance hai that will never decide ज्योमेट्री. ओके, तो यहाँ पर इसका रोल नहीं रहेगा, फोकस का कोई रोल नहीं रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स का रोल नहीं रहेगा. सो यहाँ पर जस्ट सिंपली हम कह सकते हैं कि ए पॉइंट पी मूव्स फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन सच ए मैनर दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दैट फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. सो देयर दिस टर्न्स आउट टू बी ए सर्कल एंड दिस फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस. सो दिस इज अ स्पेशल केस, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते. ओके, सो तो ये हमने चार केसेस को डिस्कस किया, व्हेन इसेंट्रिसिटी इज 0, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1, एंड इन दीज केसेस इट टर्न्स आउट टू बी सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला. तो आप इनको देख सकते हैं, मैं एक पिक्चर के थ्रू इस सभी को समराइज करता हूं और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा. अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करना ना बोले, कमेंट आप लोग बड़े कंजूसी करते हैं कमेंट करने में, कमेंट नहीं करते हैं. तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे आपके लिए, ये जो केसेस हमने डिस्कस किए यहाँ पर जो फोकस है वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करता है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करता है तब जो लोकस है पॉइंट पी का वो क्या आएगा. ओके, सो दैट विल बी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो लेट्स सी अ पिक्चर समरी ऑफ दिस लेक्चर. तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ. ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ टुडेज लेक्चर. दिस इज द फिक्स पॉइंट एफ कॉल्ड फोकस एंड दिस इज द फिक्स लाइन कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स. सो इफ ए पॉइंट पी मूव्स एंड द कॉन्स्टेंट रेशियो turns out to be 0, you can see that this is a circle, and when constant ratio is half, less than 1, then it is ellipse, and when constant ratio is 1 in the green, that is parabola, and when constant ratio is greater than 1, then it turns out to be a hyperbola, and the rest are the case when focus does not focus lies on the directrix. ये हम लोग next lecture में discuss करेंगे. Stay tuned for next lecture. Thank you.